स्टूडेंट्स, इन अर्लियर क्लास वी हैव सीन वेरियस टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक्स एंड सच एज बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट. एंड नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अनदर टाइप ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक विच इज़ द मर्ज सॉर्ट. सो टुडेज टॉपिक इज मर्ज सॉर्ट. In merge sort technique, we combine two sorted array and create another third array which is also the sorted array. मतलब इसमें हम लोग दो sorted array को combine करके एक third array create करते हैं जो कि sorted होता है. तो जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल एक एरे है, दिस इज एरे ए, ये ए है. और ये एक और एरे है विच इज द एरे बी. This is the array B. So the location of the first array is, this is the location of A0, A1, A2, A3, A4. Total size of array A is 5. And suppose the size of array B is 7, so the locations of array B are B0, B1, B2, B3, B4, B5 and B6. Now suppose that in array A elements are 10, 20, 30, 40 and 50, and the elements of array B are 11, 12, 14, 15, 17, 19 and 21. Now the condition is both array should be arranged in sorted order. Array 1 should also arranged in sorted order and array 2 is also arranged in sorted order, either in ascending or in descending. So इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक और थर्ड array बनाएंगे यहाँ पे हम लोग. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने एक थर्ड एरे बना दिया, दिस इज एरे सी. एंड व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस एरे? 5 + 7 = 12. मीन्स इफ द साइज ऑफ एरे ए इज एम एंड द साइज ऑफ एरे बी इज एन, then the size of array C will be m plus n, means 5 plus 7 is equal to 12. This is array C and the location of array C is C0, C1, C2, C3. इस तरह से ये इंक्रीज होती चली जाएगी और ये आएगा आपका C11. नाउ हाउ टू प्रोसेस द मर्ज सॉर्ट? देन स्टेप वन
इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कंपेयर कंपेयर ए जीरो विथ बी जीरो, ए जीरो और बी जीरो को आपस में कंपेयर करते हैं एंड चेक द कंडीशन इफ ए जीरो इज लेस देन बी जीरो देन ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ ए जीरो टू सी जीरो एंड इंक्रीज द पॉइंटर ऑफ इंक्रीज द पॉइंटर ऑफ ए एंड सी, अदरवाइज ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ बी जीरो टू सी जीरो एंड इंक्रीज द पॉइंटर ऑफ एरे बी एंड सी। ये इसका प्रोसेस है, मतलब सबसे पहले हमको कंपैरिजन करना होगा। ए जीरो का मतलब हो गया 10 और बी जीरो का मतलब हो गया 11। तो क्या ए जीरो इज, ए जीरो मतलब हो गया आपका 10 और बी जीरो हो गया 11। तो क्या 10 इज लेस देन 11? यस, कंडीशन ट्रू है। तो ऐसे केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हम ये जो ए ज़ीरो की वैल्यू है इसको सी ज़ीरो में ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब 10 को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं और ए के पॉइंटर में इंक्रीमेंट कर देते हैं और सी के पॉइंटर में इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब क्या होगा, जो नेक्स्ट कंपैरिजन होगा वो किसके किसके बीच में होगा, ए वन एंड बी ज़ीरो के बीच में होगा। फिर से कंडीशन लगाएंगे कि क्या ए वन इज लेस देन बी ज़ीरो, ए वन की वैल्यू कितनी है 20, इज लेस देन बी ज़ीरो की वैल्यू कितनी है 11। तो क्या 20 इज लेस देन 11? नो। ऐसे केस में क्या होगा कि अदरवाइज वाला एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कि ट्रांसफ़र द वैल्यू ऑफ बी ज़ीरो, मतलब ये जो 11 है इसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, 11 को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे अब, और फिर बी के पॉइंटर में इंक्रीमेंट कर देंगे और साथ ही साथ सी के पॉइंटर में भी इंक्रीमेंट कर देंगे। तो अब जो नेक्स्ट कंपैरिजन होगा वो होगा ए वन और बी वन के बीच में, ठीक है ना। तो फिर से कंपेयर कीजिए कि क्या कि इफ़ यहाँ पे कंपेयर कर दे रहे हैं जगह की वजह, लैक ऑफ स्पेस की वजह से। तो क्या ए वन इज़ लेस देन बी वन, तो ए वन की वैल्यू कितनी है 20, तो क्या 20 इज़ लेस देन बी वन की वैल्यू कितनी है 12, तो क्या 20 इज़ लेस देन 12? नो। ऐसे केस में बी वन की वैल्यू आपकी, ये बी वन जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, मतलब 12 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी और साथ ही साथ
हमारा बी के पॉइंटर में इंक्रीमेंट हो जाएगा और सी के पॉइंटर में इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट कंपैरिजन होगा वो ए वन और B2 के बीच में होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि क्या A1 इज इक्वल टू है कितना 20 और B2 कितना है, B2 इज इक्वल टू है 14। तो क्या 20 इज लेस देन 14? नो। ऐसे केस में ये वैल्यू जो B2 की वैल्यू है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, 14 यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और जो नेक्स्ट मतलब इसके भी पॉइंटर में इंक्रीमेंट हो जाएगा और इसके पॉइंटर में इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब जो वैल्यू ट्रांसफ़र होती है, जिस एरे से वैल्यू को हम ट्रांसफ़र करते हैं थर्ड एरे में, उसी के पॉइंटर में इंक्रीमेंट करते हैं और साथ ही साथ थर्ड एरे के पॉइंटर में भी इंक्रीमेंट करते हैं। तो अब नेक्स्ट कंपेरिजन क्या होगा, नेक्स्ट कंपेरिजन होगा आपका ए वन और B3 के बीच में नेक्स्ट कंपैरिजन होगा। ऐसे केस में 15 आपका यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसके पॉइंटर में इंक्रीमेंट होगा, मतलब ये वैल्यू ट्रांसफ़र हो गई और इसके पॉइंटर में इंक्रीमेंट होगा। फिर नेक्स्ट टाइम 17 यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये वैल्यू और इसके पॉइंटर में इंक्रीमेंट और सी के पॉइंटर में इंक्रीमेंट। फिर 19 यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर सी के पॉइंटर में इंक्रीमेंट और बी के पॉइंटर में इंक्रीमेंट। अब देखिए अब क्या होगा कि क्या A1 और B6 के बीच में कंपैरिजन होगा। तो क्या A1 इज लेस देन B6? क्या A1 इज लेस देन B6? यस, क्योंकि A1 की वैल्यू है 20 और B6 की वैल्यू है 21। तो ऐसे केस में A1 की वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है वो सी में ट्रांसफ़र हो जाएगी, मतलब 20 यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और ए के पॉइंटर में इंक्रीमेंट हो जाएगा और अब इसके इसके सी के पॉइंटर में इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, ठीक है ना? अब फिर क्या करते हैं कि अब इसको मिटा करके बताता हूँ मैं।